दादा आपका चांस गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप हाँ उसके बाद धन्यवाद। जब मैं ये चर्चा सुन रहा था तो मुझसे ना रहा गया, ये ध्यान में आया कि आज से ठीक 66 वर्ष पूर्व 11 मई 1953 को अमृतसर पंजाब से होते हुए पठानकोट से गुजरते हुए कठुआ लखनपुर मेरे क्षेत्र में से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करते हुए गिरफ्तारी दी थी। और गिरफ्तारी के समय उन्होंने अपने युवा सहयोगी अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था, अटल गो एंड टेल द वर्ल्ड द श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैज एंटर्ड जम्मू कश्मीर विदाउट परमिट। यदि आज मुखर्जी जिंदा होते तो अपने मखसूस अंदाज में, अपने अनोखे लबो लहजे में जिस तरह से वो बात किया करते थे, वो ये कहते, गो एंड टेल द वर्ल्ड मोदी हैज एब्रोगेटेड आर्टिकल 3। 11 मई 1953 को उनको हवालात में ले लिया गया बिना कोई कारण बताए। वो लोकसभा के एक माननीय सदस्य थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम हैं, साउथ कोलकाता कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर के आए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे एक राष्ट्रीय दल के, जनसंघ के। पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी सूचना भी दे रखी थी शेख अब्दुल्ला को, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उस समय नॉमनक्लेचर प्रधानमंत्री का हुआ करता था। उसके बावजूद उन्हें उठाकर के 44 दिन हवालात में रखा गया। मुझे ताज्जुब हुआ उस संवेदनशीलता पर जो अभी व्यक्त हुई, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि साहब कहां हैं कहां हैं कहां हैं कहां हैं। अभी तो किसी ने कहा भी नहीं कि कोई अरेस्ट हुआ है इस यहां का माननीय सदस्य, लेकिन इतनी संवेदनशीलता, यही राजनीतिक दल, यही राजनेता 40 दिन नहीं 44 दिन बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी नियम के। यदि उनका यही आरोप था कि वो बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे थे तो कितने नाके क्रॉस करके लोग आते हैं, उनको धकेल दिया जाता है, उन्हें वापस भेज दिया जा सकता था पंजाब गाड़ी में डाल करके। लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा करके, मानो एक सोचे समझे षड्यंत्र के अंतर्गत उन्हें हवालात में लिया गया। और 23 जून को जब संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु होती है, तड़के प्रातः 2:30-3 बजे, तो 5-6 घंटे तक किसी को सूचना नहीं दी जाती, ना उनके परिवारजनों को, ना वहां के स्थानीय जनसंघ प्रजा परिषद के नेताओं को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा को, अन्य लोगों को। और लगभग 2 बजे आकाशवाणी पर उनकी मृत्यु की सूचना आती है। और उसके अगले दिन जब उनका शव कलकत्ता पहुंच रहा था, पश्चिम बंगाल के मेरे साथी इस बात से परिचित हैं, जनसमूह उमड़ा था वहां पर उनके शव को रिसीव करने के लिए, और श्रीनगर से मात्र 7,000 रुपए का किराया देने के लिए सरकार ने पेशकश नहीं की थी। और आज किस संवेदनशीलता की दुहाई दी जा रही है कि साहब पता नहीं कौन हालात में चला गया, कौन क्या हो गया, किसी ने कहा भी नहीं फिर भी। और इसलिए आज हम जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता विशेषकर पिछले 60 वर्षों से संघर्ष करते रहे, गिरफ्तारियां देते रहे, आंदोलन करते रहे, प्रतिवर्ष उनका पखवाड़ा मनाते रहे, लेकिन आज उनको सही श्रद्धांजलि देने का समय आया है। जब इतिहास रच रहा होता है तो उसके जो पाक्षी होते हैं, पात्र होते हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं होता। लेकिन भविष्य में जब कोई इतिहासकार इतिहास लिखेगा और उस इतिहास को हम पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है
300 के 303 सदस्य भाजपा के जो यहां बैठे हुए हैं वो गर्व से अपने बच्चों को अपने नाते नातियों को कह सकेंगे एनडीए समर्थन कर रहे हैं, जो समर्थन क्षमा कीजिए एनडीए के भी और जो समर्थन दे रहे हैं लोग के सत्रहवीं लोकसभा में जब ये विधेयक पारित हुआ था तो हमने भी इसके पक्ष में वोट दिया। ठीक है बहन जी, माननीय सदस्य जो भी समर्थन दे रहे हैं मुझे विश्वास है आपको भी गर्व महसूस होगा अपने बच्चों से ये कहते हुए कि मैं उस समय 17वीं लोकसभा की सदस्य थी और मैंने भी इसके पक्ष में वोट दिया था। मैंने जैसे कल भी राज्यसभा में कहा, इवन बिफोर दिस डिबेट कंक्लूड्स एंड इवन बिफोर द होम मिनिस्टर हैज फिनिश्ड कंप्लीटिंग हिज रिप्लाई, दिस डे हैज ऑलरेडी गॉन डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अ डे ऑफ रिडेम्पशन, एज अ डे ऑफ रिजुविनेशन, एज अ डे ऑफ रिसर्जेंस। जहां तक अनुच्छेद 370 का संबंध है, मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत बार, इट वॉज अ मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री एंड परहैप्स द ग्रेटेस्ट द ग्रेवेस्ट ब्लंडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। और आज 70 वर्ष के बाद ये प्रायश्चित की घड़ी आई है। 70 वर्ष हमें इंतजार करना पड़ा, शायद विधाता को यही मंजूर था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह गृह मंत्री बने तो ये प्रायश्चित का पुण्य कार्य उनके हाथों से हो। माननीय मनीष तिवारी जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने अपना संबोधन इस प्रकार प्रारंभ किया कि ये सब कुछ जो हुआ है, जो इस आकार में जम्मू कश्मीर आज है, उसका श्रेय पूरी तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। हमारा कभी ये उद्देश्य नहीं रहा दैट वी फाइंड फॉल्ट विद आर प्रेडिसेसर्स। स्वतंत्र भारत की यात्रा 70 वर्ष तक चली है, निश्चय ही सबका योगदान रहा। लेकिन मैं नहीं कहता, इतिहासकार कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट ओनली जम्मू कश्मीर, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वुड हैव बीन डिफरेंट इफ नेहरू हैड प्लेड अ डिफरेंट रोल। यदि उन्होंने अपने मात्र इतना किया होता कि अपने गृहमंत्री को गृहमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर के विषय को उसी तरह से हैंडल करने दिया होता जिस प्रकार से उन्होंने बाकी राजवाड़ों को किया, जिसका इशारा मनीष जी कर रहे थे जूनागढ़ हैदराबाद, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में सरदार पटेल को दखल नहीं दिया देने गया। लेट मी पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट एंड लेट मी ऐड टू व्हाट ही डिड नॉट से। ही सेड जूनागढ़ वॉज सॉर्टेड आउट, हैदराबाद वॉज सॉर्टेड आउट, बट इट वॉज सरदार पटेल हु वॉज हैंडलिंग इट, वेर एज पंडे जी बिलीव दैट ही न्यू जम्मू कश्मीर बेटर देन सरदार एंड देयर फॉर ही वॉज केप्ट आउट ऑफ इट। आपका समय हो गया भैया। यस आई थिंक यस ओके आपका खत्म हो गया। ओके।